Buskani looks over to the Buskan to recock to Matuna de Kasha Panda, Klezaka Strangsal of Agrakor, Agone Progia Boboda, Aramanjaga Hastini, Chief Election Commissioner Punin Agarwal, Cocktum, Hokomogotang, Betanita, Dagifan Kobe, Kobunish among Tanirok, Buskani looks over Chomari, Buskang, Hatiuno, Shaklaizaka Imano, Chomari, Shalmari, Abrutino, Taupile Hulake, Hakotor, Bosak Klezang Mahake, Hasti, Botabok Shamutan, Klezakito, Abrutino, Bogakor, Agone Progia Bono, Klezaka, Cocktum, Matuna de Kasha Panda, Asali Pandavo, Buskang looks over Chomari, Jorobo, Boba. Cocktail, Tumai, Boba, Cocktail, Furnai, the model code of conduct of the Cock Shalika. Election Prakriya Ekhon Lok Sabha Janne already Sabhi Log Ek Aaj Jukta Chen or very soon the election will get announced for the Lok Sabha elections. Anytime one can expect from this week itself, one can expect, and aap jante hain jaise election announce hoga. Then the model code of conduct gets into force. तो उस समय आपका जो model code of conduct है, वो आप सभी को in general मालूम है. Model code of conduct में आपको ध्यान रखना है कि जो campaigning है या even उसमें सभी candidates को, चाहे वो ruling party के हो, चाहे वो opposition party के हो, कोई independent candidate हो, all should get a level playing field. उससे उनको जो भी वो अपनी बात वोटर्स को बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो सही दृष्टि से सही तरीके से रखें, उसमें किसी टाइप का कोई बायसनेस ना हो, किसी टाइप का किसी और कैंडिडेट के ऊपर हो कुछ अगर गलत बात बोल रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, तो वो ना हो, तो उस तरह चीजों को हमें ध्यान रखना होगा. मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताया गया, मीडिया एक्चुअली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में सभी को अपने बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है. उसमें मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो बात पब्लिक बोलना चाहती है, चाहे गवर्नमेंट बोलना चाहती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहती है, तो उसको सभी तक पहुंचाने के लिए डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीडिया के अलग अलग रूप में, पहले प्रिंट मीडिया था, अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ हम इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात को अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो इसका विस्तार भी हो रहा है समय के साथ साथ, इसका रोल भी बढ़ रहा है, तो हमें उसको ध्यान में रख के अपने दायित्व का निर्वाह करना है. आई एम श्योर आप लोग सभी का सपोर्ट हमेशा आगे इलेक्शन में ही मिला, इस इलेक्शन में ही मिलेगा. और मीडिया को इलेक्शन कमीशन हमेशा एक इम्पोर्टेंट एक अंक के रूप में देखता है, और इसलिए जब भी कोई इलेक्शन प्रोसेस होती है, आप देखते हैं पहले अनाउंसमेंट होगी, जब इलेक्शन कमीशन की उससे पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, और जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें जो जो इवेंट्स होंगी आपकी, उसको भी मीडिया कवर करता है. तो हमारे भी प्रयास रहेगा इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, सी ऑफिस की तरफ से, कि जो जो स्टेप्स हम लोग इलेक्शन को फ्री, फेयर, वायलेंस फ्री वे में कंडक्ट कराने के लिए ले रहे हैं, उसको हम लोग आपके साथ साझा करते रहेंगे. जो दो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वन वेस्ट एंड वन ईस्ट, और उसके अलावा जो छह और डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको असिस्ट करने के लिए आपके जो एआरओज हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो सब आप लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब मीटिंग करेंगे, उसमें साथ ही साथ मीडिया भी इन्वाइटेड रहते हैं, तो उस समय वो बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा रही, कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन इसको शेयर करना है, किस फॉर्मेट में करना है. तो सभी को अगर अपना रोल क्लियर होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा. कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफी समस्या क्रिएट हो जाती है, तो हमें वही देखना है कि हमें अपना दायित्व क्लियर हो, दूसरा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी हम पहले सही से देखें, फिर उसको